आपको अगर ऐसा घर बनाना है तो मेरे से पूरी जानकारी ले लेना ताकि कमेंट का काम नहीं रहे। अभी इस वाले घर के अंदर काम बाकी है और ये वाला घर मैं आपको जो बता रहा हूँ 60x60 का है और बाहर की जो बाउंड्री है खेत के अंदर ये वाला 130x30 के अंदर बाउंड्री बनाई है। अब इस घर के अंदर से वीडियो बना देता हूँ। ये वाला घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्नीचर का और दरवाजे खिड़की का काम बाकी है, तो आप वीडियो को अंदर से देख सकते हो। मकान नक्शा है वो, इसके लिए जब घर कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपके लिए शेयर कर उस टाइम आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन आप घर की डिजाइन पूरी देख लो एक बार के लिए। बड़े साइज का ड्राइंग रूम है, टाइल्स लगी है फ्लोरिंग में, आपको इतने आलीशान घर कोई नहीं बताएगा फ्री में। पूरे घर से अंदर से देख लीजिए, बहुत जल्द ये वाले घर जैसे ही कंप्लीट होगा आपके साथ में शेयर कर देंगे ऐसे में। और घर की जो दिशा है वो पश्चिम मुखी घर है और ये वाला लेट बाथ है और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां है और पश्चिम में फिर से वही एक बड़ा बेडरूम है। और वापस आप इसका अंदर सा व्यू देख लीजिए, बहुत बड़ा घर है, इसका फाइनल वीडियो अपलोड करेंगे। सामने पूजा रूम है, फिर से एक और बड़ा रूम है और पीछे जो पूर्व दिशा है वहां पे बाहर पीछे जाने के लिए। और ये वाला बड़े साइज का रसोई घर है जो कि दक्षिण पूर्व दिशा है। आपको इतने बड़े घर की आलीशान डिजाइन नए नए पैटर्न के अंदर कोई नहीं बताएगा। भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को दिवाली से पहले 6 लाख फॉलोअर कंप्लीट करना है, इसके लिए जी जान से लगा हूं। आपको हर गांव में जाकर बढ़िया बढ़िया मकान डिजाइन बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप मेरे से जुड़ जाओ फटाफट से। सीढ़ियां देख ली दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर। और ये वाला जो घर है क्लासिकल टाइप है जैसे पंजाब में बनाते हैं। ये वाला जो घर मैं आपको जो बता रहा हूं हनुमानगढ़ जिले के अंदर खेत में मैं आपको डिजाइन बता रहा हूं, जगदीश जी जेवड़िया। ठीक है चलते हैं और सीढ़ियों से होके फर्स्ट फ्लोर और चलते हैं। घर का साइज भी बड़ा है, 60x60 का है और जो अंदर में रूम वगैरह सारी चीजें सीलिंग की हाइट जो है 12 फीट ली हुई है, फ्लोरिंग के अंदर टाइल लगी है। और फिर से एक बार पूर्व दिशा बता रहा हूं पीछे की, और नक्शा अभी मैं बना नहीं सकता, कंप्लीट होने दो घर जो अंदर से। ये वाला फिर से एक और जो दिशा बता रहा हूं जो कि उत्तर पश्चिम आगे में आ गया हूं, जो अभी मैं पश्चिम दिशा के अंदर हूं। फ्रंट की भाग है जो मेनडोर का, वापिस अंदर आ रहा हूं। आपको ऐसे आलीशान कोई मकान कोई नहीं बताएगा और ना ही ओनर किसी को वीडियो शूट करने देगा। पीछे जो भी है पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में बालकनी है। घर की जो डिजाइन है चारों साइड से, बाकी आप मैं एक बार ड्रोन से घुमा दूं देख लेना। बालकनी में जो है इस तरीके से ये वाले रेलिंग का लुक है, साइड का पोजिशन ऐसा है। आप काफी कमेंट करो कि सर नक्शा बताओ बजट बताओ, तो इसीलिए मैं आपको अंदर से वीडियो बता रहा हूं। देख लिया आपने रूम के अटैच लेट बाथ है बड़े साइज का और सीढ़ियां आपने देख ही ली दक्षिण दिशा के अंदर। आगे का स्पेस देख लिया बड़े साइज का, ये वाला उत्तर पश्चिम के अंदर रूम में देख लिया आपने। अब हम चलते हैं इसके लास्ट वाले फ्लोर के अंदर। घर बहुत बड़ा है, ड्रोन से देख लेना आप बाकी वीडियो। चलते हैं इसके अंदर की लास्ट के अंदर, जो लास्ट फ्लोर में, लास्ट फ्लोर में आते हैं अपन। बड़े साइज का क्लासिकल लुक है, बड़े साइज का। ऊपर में एक पानी की टंकियों के लिए रूम बनाया हुआ है, यहां पे 1000-1000 लीटर की दो टंकियां रखी है, इनका खुद का ही प्रोडक्ट है। देख लिया आपने ये वाला घर जैसे ही कंप्लीट होगा, बाकी इतना बता सकता हूं कि ये वाला घर पूरा कंप्लीट होने में 1 करोड़ से प्लस खर्चा आएगा। वो बाद की बात है कि घर के अंदर में कितना कुछ फर्नीचर का काम चलेगा, बाकी 1 करोड़ प्लस का ये वाला डिजाइन है, इससे ऊपर जाएगा कम नहीं जाएगा इतना बता दे रहा हूं। साइज बहुत बड़ा है, काम भी अंदर में काफी होने वाला, अभी भी फर्नीचर लाइट फिटिंग वगैरह। बाकी आपको ऐसे मकान की डिजाइन देखनी है तो दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका भाई समझ कर कह रहा हूं कि वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और आप मेरे से यूं ही जुड़े रहो इसके लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो मैं आप तक बहुत जल्दी पहुंचा सकूं। और आपको इस वीडियो में देखकर क्या कमेंट करने का जी कर रहा है वो अपने मन से कमेंट कर दो। आगे का लुक है क्लासिकल है, एक बार दोबारा से बता दे रहा हूं, यहां तक वीडियो देखते देखते आ गए हो तो। फ्रंट के अंदर 60x60 का है, इस तरीके से पंजाब के अंदर जो बड़े साइज की कोठियां बोलते हैं। और बाहर की अभी बाउंड्री बन रही है, अभी चकले लगना बाकी है। बाहर के अंदर भी एक मेहमानों के लिए अलग से कमरा बनेगा, साइड का पोजीशन भी एक साथ बता रहा हूं ऐसे में। देखिए आप मेरे से जुड़ोगे तो आपको मकान का नक्शा बनाने का काम नहीं रहेगा, मैं आपको पूरे मकान के अंदर से बाहर से बजट से
और जितना पॉसिबल है नक्शा भी आपके साथ में शेयर कर लूंगा। बस इतना मांग रहा हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे शेयर कर देना ताकि और भी भाई देख सके। धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना।